इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इसका बेसिकली यूज़ क्या है। और देखो, जो हमने अगर दो कोई मटेरियल हैं जैसे कि नाइलॉन और हमने प्लास्टिक को रब किया, तो दोनों जो हैं, जो नाइलॉन की शीट भी है और जो प्लास्टिक है, वो दोनों के दोनों चार्ज हो गए, पर दोनों के अपोजिट चार्ज हुए। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो ये तो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कोई बॉडी जो है वो चार्ज है या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के काम आता है। और उसका जो जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, सही है, उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, है ना, तो उसको हम एक तरह से लगा सकते हैं कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, जो उसको चार्ज जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका जो इंटेंसिटी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, बस सिर्फ उस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर चार्ज है और चार्ज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप से। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है उस पर आते हैं। तो यहाँ पर ये डायग्राम है इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक। तो यहाँ पर एक मेटल डिस्क है, फिर बीच में इंसुलेटर लगाया हुआ है और इसको कवर किया हुआ है ताकि जो एयर का जो इफेक्ट है, एयर के फ्लो का, या एयर अगर उसमें मॉइस्चर है, ठीक है, तो वो अफेक्ट करेगा, तो एयर का फ्लो भी है, क्योंकि जो ये गोल्ड लीफ है ना, ये बहुत ही मतलब एक तरह से सेंसिटिव है, अगर कुछ एयर का अगर इस पर फोर्स आता है तो ये मूव करेगी और हमें मूव कराना है इसको चार्ज से। ठीक है, तो इस तरह की है। अब इसको अगर डायग्राम बनाएं तो एक इस तरह का ये ऊपर है मेटल डिस्क, ठीक, मेटल डिस्क से एक रोड कनेक्ट है और ये रोड जो है इसमें क्या किया हुआ है, इसके नीचे हमने जो एक तरह से गोल्ड की जो लीफ है वो लगाई हुई है, पर जो इसको देख रहे हो यहाँ पर ये फिक्स है, मेटल प्लेट जो है ये फिक्स है, ठीक है, तो इसको क्या कर दिया है, इसको इस तरह का बनाया हुआ है, ठीक, और यहाँ पर अटैच की है इसके साथ एक गोल्ड लीफ, तो गोल्ड लीफ है ये मूवेबल है, सही है, तो गोल्ड लीफ जो है ये इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, ये और ये, तो ये जो गोल्ड लीफ है ये इजिली अप या डाउन, ठीक है, तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल में ये जो मेटल है और इसके साथ ही अटैच है, इस तरह का है ये, ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हो इन दोनों में, तो यहाँ पर ऐसे ही ये नॉर्मल पोजीशन में रहती है, ठीक है, तो इसके पास ही नॉर्मली, सही है, पर जब भी चार्ज आएगा तो वो अप मूव करेगी और ये जो है मेटल का जो प्लेट है ये फिक्स रहेगी, ठीक है। और जो बुक वगैरह में दिया हुआ है, बुक में क्या दिया हुआ है, सिंपली एक मेटल इस तरह रोड दी हुई है और यहाँ पर दो वो दे दिए हैं, सही है, जो गोल्ड की लीफ है वो दो हैं, तो नॉर्मली वो इस तरह रहती हैं गोल्ड लीफ, और जब उसमें कोई चार्ज आता है तो वो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझते हैं, तो इंसुलेटर इसको किया हुआ है ताकि जो चार्ज है वो हमारा डिस्चार्ज ना हो जाए, है ना, हमें मेज़र करना है। अर्थ कनेक्शन दिया हुआ है कि जो जो आउटर इसका जो सरफेस है उस पर कोई चार्ज ना रहे, ठीक है, तो जो इसका सराउंड है उसको प्योरली अनचार्ज किया हुआ है, वो सिर्फ जो हमारा मेटल डिस्क है उस पर चार्ज वगैरह आएगा, और ये ग्लास विंडो है ये देखने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर करते क्या है, तो सपोज करो मैं यहाँ पर कोई जो चार्ज बॉडी है, कोई सपोज करो ये कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो इस पर है पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं लेके आता हूँ चार्ज बॉडी को इसके नियर अबाउट, तो ड्यू टू इंडक्शन जो इंड्यूस होगी तो यहाँ पर आएंगे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ऊपर नेगेटिव चार्ज आएंगे, और जो फार जो इसका एंड है, तो एंड है ये वाला, है ना, एक गोल्ड लीफ और एक ये दो एंड हैं इसके, तो यहाँ पर एकोमोडेट होगा पॉजिटिव चार्ज, तो इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो ये तो फिक्स है, ठीक है, तो जो ये है गोल्ड लीव ये मूवेबल है, ठीक है ना, तो जैसे चार्ज आएगा तो ये क्या करेगी, तो अगर सपोज करो पहले इस तरह की थी, ये तो मेटल है और ये है गोल्ड लीफ, ठीक,
जो डार्क में है ये गोल्ड लीफ है और ये मेटल। और जब इस पर चार्ज आएगा, तो सपोज करो इस पर पॉजिटिव चार्ज आया इधर, तो ये किस तरह हो जाएगी, ये तो इस तरह ही रहेगी जो मेटल वाली प्लेट है, तो जो गोल्ड लीफ है वो आगे मूव कर जाएगी। ठीक है, तो किस वजह से, क्योंकि इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। जैसे कि वो उस आपने जो फोटो देखी उसमें जो गर्ल के हेयर हैं, तो उस पर चार्ज आया तो वो क्या कर रहे हैं, एक जो हेयर हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जो हेयर हैं उसके वो उड़ते हुए लग रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर है, तो ये आया तो ये क्या करेगा, इसको मूव करा देगा। ठीक है, तो ये अब जितना चार्ज आता जाएगा, ठीक है, ये उतना ही आगे मूव करती जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसे ही यहाँ पर जो ये बनाया हुआ है इन्होंने, जो ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप है एक्चुअल, ठीक, तो जब भी इस पर कुछ आप चार्ज दोगे, तो सपोज़ करो आपने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दिया, तो पहले जो ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है इसको अर्थ कर दिया, अर्थ करने के बाद क्या हुआ, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। पर जब भी हम कोई चार्ज ऑब्जेक्ट इसके नियर लाते हैं, नियर ला रहे हैं, टच नहीं करा रहे हैं, तो जब भी हम इसको नियर लाएंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसके नियर अबाउट नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, और जो इसका क्लोज एंड है, जो भी उसके पास है, जो उसका फार एंड है वहाँ पर एकोमोडेट होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो ये जो है ये मूव करती जाएगी अपसाइड। ठीक है, तो जिसने जो भी इसका मैग्नीट्यूड होगा, अगर हाईली चार्ज है, सही है, तो ये इधर आ जाएगी। ठीक है ना, या ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर जो स्केल दिया है, इससे हम मेज़र कर सकते हैं कि उसका जो मैग्नीट्यूड लेवल है, जो चार्ज बॉडी है उसका मैग्नीट्यूड लेवल है वो कितना है। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट है अगर कोई नेगेटिवली चार्ज बॉडी आए। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ कोई बॉडी आई नेगेटिवली चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आएगी तो प्लेट पे यहाँ पर जो इसके नियर एंड है उस पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, सही है, जो फार एंड है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से, तो जैसे यहाँ पर इसको करके देख लेते हैं, सही है, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और तो यहाँ पर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और जो फार एंड है उस पर नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इंडक्शन इंड्यूस होगा, सब पे नेगेटिव चार्ज। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ये जो इसका जो प्लेट है ना, जो लीव है बेसिकली, जो फिक्स प्लेट है ये फिक्स है, इधर वाला जो है ये फिक्स है और ये जो है मूवेबल है, तो चार्ज से ये लीव की फॉर्म में है और ये क्या करेगी, ये अप मूव करेगी, तो जितना चार्ज आएगा उतना ही मूव करेगी और एक जगह जाके रुक जाएगी। तो जो रुक जाएगी, अगर सपोज करो 50 पर रुका, तो यहाँ पर 50 यूनिट चार्ज है इस बॉडी पे, तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसका मैग्नीट्यूड। अब वो उस पर पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो आइडेंटिफाई नहीं करता है। ठीक, तो ये है कैसे काम करता है। तो अब यहाँ पर ड्यू टू इंडक्शन, अब दूसरा है ड्यू टू बाई कंडक्टिंग, तो चार्ज ड्यू टू बाई कंडक्टिंग। तो कंडक्टिंग में क्या है, आपको एक चार्ज ऑब्जेक्ट लाना है, चार्ज ऑब्जेक्ट लेकर आए सपोज करो प्लस है और इसको आपने इससे टच करा दिया, तो टच कराने पे क्या होगा, ये क्या होगा, जो जो चार्ज बॉडी है वो क्या करेगी, वो अपने को डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये जो चार्ज का जो फ्लो है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। ठीक है ना, और पॉजिटिव चार्ज पूरी बॉडी पर आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो क्या करता है, जो चार्ज है ना, वो इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इस बॉडी के टच में आते ही तो कंडक्ट करेगा। ठीक है, मेटल प्लेट है, कंडक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस प्लस वाले, अगर मैं इसको एक तरह से स्केल करके चलूँ, तो सपोज करो यहाँ पर 4 यूनिट प्लस चार्ज है। ठीक है, और जब मैं इसको टच करूँगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो सारा नहीं आएगा, तो यहाँ पर अब एज्यूम करो तो टच कराने के बाद
जो चार्ज बचा इस पे, दो चार्ज इस पे आया और दो चार्ज इस पे आया, ठीक है। तो जो हमने टच किया है, तो टच करने से क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएंगे, तो दोनों पे सेम सेम चार्ज होगा। तो पर बेसिकली ये जो है एरिया के हिसाब से होता है, जो उसका सरफेस एरिया है, कितना सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उस पर ज़्यादा चार्ज आएगा उस बॉडी पर, जिसका सरफेस एरिया कम होगा उस पर उसी रेशो में उतना ही कम चार्ज आएगा। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ कि इसका ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया है और इसका जो सरफेस एरिया दोनों सेम है, तो दोनों पे सेम सेम चार्ज आएगा, तो दो यूनिट चार्ज इधर चला गया, ठीक है। अब इसको अगर रिमूव कर दें, तो ये चार्ज इस पर रिमेन रहेगा, सही है, और रिमेन रहेगा तो ये जो गोल्ड लीफ है ये मूव करेगी, पर यहाँ पर ये क्लियरली उसको मेज़र नहीं करेगा। टच करने से क्लियरली क्या कर रहा है, मेज़र नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो पूरा चार्ज है वो तो हमने देखा ही नहीं कितना है, तो उसके लिए कैलकुलेशन बढ़ जाती है ना, क्योंकि भाई उसमें जो चार्ज था वो बचा रह गया, द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर जो कैलकुलेट करेगा, जो उससे जो चार्ज आया और कितना चार्ज आया, वो उसका सरफेस एरिया पर डिपेंड करेगा, तो ये मेज़र नहीं करेगा, पर एक्चुअल मेज़र नहीं करेगा, पर हम उसको रेशो को देख सकते हैं, जो सरफेस एरिया की रेशो है, और उससे उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तरह से ये इलेक्ट्रोस्टेटिक जो हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है, दो तरह से काम करता है, इंडक्शन है ना, एक इंड्यूस है मेथड, और दूसरा है कंडक्टिंग। कंडक्टिंग में हम टच करते हैं, तो चार्ज जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको टच करा देंगे इसके मेटल डिस्क से इलेक्ट्रोस्कोप की, और इंडक्शन में क्या, इंड्यूस में क्या करते हैं, उसको टच नहीं कराते हैं, उसे एक सर्टेन डिस्टेंस पे उसको मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो चार्ज है वो इंड्यूस होता है, ठीक है। तो जितना चार्ज यहाँ पर है उतना ही चार्ज इसके जो फार एंड है वहाँ पर, उतना ही चार्ज वहाँ पर पहुँच जाता है, और उससे हम उसको मेज़र कर लेते हैं, ठीक है, इसके हेल्प से। तो ये है इलेक्ट्रो स्कोप कैसे काम करता है, ठीक, कैसे मेज़र करता है। चलिए अभी अगर ये आपको पसंद आया है तो लाइक करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक, और इसमें कमेंट दे सकते हो, इसमें क्या चीज़ और ऐड कर सकता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आए, ऑलराइट। चलिए इसको यहीं रोकते हैं।